हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 20 प्लस 40 जो कि हमें इक्वल दिया गया है 5 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 74 प्लस 70 जो कि हमें इक्वल दिया गया है 12 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 82 प्लस 50 जो कि हमारे पास इक्वल दिया गया है 11 के इक्वल दिया गया है। और आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 88 प्लस 20 किस चीज के इक्वल होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें एक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें एक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 20 प्लस 40 जिसका सम इक्वल होता है हमारे पास 60 के इक्वल होता है, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 5 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 74 प्लस 70 जिसका सम इक्वल होता है 144 के इक्वल होता है, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 12 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 82 प्लस 50 जिसका सम इक्वल होता है हमारे पास 132 के इक्वल होता है, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 11 के इक्वल दिया गया है। और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 88 प्लस 20 जिसका सम इक्वल होता है 108 के इक्वल होता है, और आपको यहीं पे फाइंड करना है कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स किस गया, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास सिंपली क्या फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में लेना है आपको इन दोनों नंबर का सम, यानी कि आपको प्लस करना है 20 प्लस 40 जिसका सम इक्वल होता है 60 के इक्वल होता है, और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है 60 डिवाइड 12 जो कि इक्वल होता है 5 के इक्वल होता है, और आपको 5 अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सेम फॉर्मूला हमारे पास नेक्स्ट में भी यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको करना है इन दोनों नंबर को प्लस, 74 प्लस 70 जिसका सम इक्वल होता है 144 के इक्वल होता है, और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 144 डिवाइड करना है आपको 12 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 12 के इक्वल होगा, और 12 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सेम फॉर्मूला हमारे पास नेक्स्ट में भी यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको करना है इन दोनों नंबर का सम, यानी कि आपको प्लस करना है 82 प्लस 50 जिसका सम इक्वल होता है 132 के इक्वल होता है, और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 12 से डिवाइड करना है, 132 डिवाइड 12 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 11 के इक्वल होगा जो कि आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सेम फॉर्मूला हमारे पास नेक्स्ट में भी यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम, 88 प्लस 20 जिसका सम इक्वल होता है हमारे पास 108 के इक्वल होता है, और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 108 डिवाइड करना है 12 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 9 के इक्वल होगा, यानी कि जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहां पे हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।